और लड़का तो दसवीं तक ऐसे ही जाकर पिताजी के साथ एक काम के लिए जाता है, लड़की लोग तो पढ़ने के इसमें है। थोड़ा कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी इसके कारण आता है, यानी महिला अधिक पढ़ाई हुआ है और लड़का उनकी पढ़ाई कम है, इसके कारण जो कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी कुछ प्रांतों में आता है। और एक सबसे अधिक महत्व एक बात है, जैसे हमारे ट्राइबल कम्युनिटी में भी अभी कम हो गया है, पूरे भारत में देखे तो एक ट्राइबल चीफ उनके पीछे नीचे सभी समाज एक साथ रहने की एक व्यवस्था पहला था, लेकिन अभी ट्राइबल कम्युनिटी में नष्ट हो गया। लेकिन पूरे भारत में एक कोस्टल कम्युनिटी में अभी भी हर एक प्रांत में हर एक पद्धति से अपने अपने गांव के एक कम्युनिटी चीफ उसका एक व्यवस्था है। कम्युनिटी चीफ आज कोई भी समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नहीं जाना है ऐसा कल्पना किए तो अभी भी उसको 100% पालन करने का एक व्यवस्था एक मछुआरे कम्युनिटी में पूरे भारत में। इसलिए कुछ प्रांतों में ट्रेडिशनल है उनका जो लीडर पिताजी उनकी पुत्र ऐसे ही, कुछ अभी डेमोक्रेटिक वे से जो एजुकेटेड लोगों को चुन करने का व्यवस्था भी शुरू किया है। और कुछ प्रांतों में जब मैं गया इतना साइंटिफिकली ट्यून्ड ऐसा कम्युनिटी सिस्टम हमारे बहुत प्रांतों में है। और उधर उनके ऑफिस में गए तो जो उनके मुखिया उनको बैठने के लिए कुर्सी अलग है, बाकी लोग इतने विनम्रता से उनके सामने खड़े होता है। अभी जो बूढ़े लोग एल्डरली लोग उनको नकारने की जो कल्चर पूरे समाज में है, तब अभी भी अपने अपने समाज के बुजुर्ग लोगों को मानने का एक कल्चर अभी भी हमारे सागरी तट पर जो समाज है उनके अंदर अभी भी कायम। ये सोशल सिस्टम में उन्होंने लागू किया है, इसके कारण हर एक गांव संगठित थोड़ा कुछ मदादरण के कारण कुछ सोशल फ्रिक्शंस कुछ प्रदेशों में हुआ है, ये तोड़ पूरे भारत में एक कम्युनिटी का लीडरशिप इतना अच्छा, लेकिन उसको थोड़ा एक्सटेंड करने का आवश्यकता है। हम तो उसके लिए परिश्रम कर रहा है। एक कम्युनिटी लीडर्स का केवल काम उन्होंने सोचा है एक तो अपने मंदिर की देखभाल करना और मंदिर की बड़ा उत्सव करना, पिछले साल 10 लाख किए तो इस साल 20 लाख की खर्चा कर, और समाज के बीच में कुछ समस्या है तो उसको हल करना, एक गांव और दूसरे के गांव के बीच में कुछ समस्या है तो उसको हल करना, इतना ही उनका सीमा है। ये जो सरकार की ओर से फिशरीज डिपार्टमेंट की ओर से समाज की भलाई के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स है उसको समझने के लिए ये समाज में लागू करने के लिए ये सोशल सिस्टम को प्लग किए तो उपयोग किए तो एक बड़ा एक देर उसमें होगा। इसलिए पूरे भारत में जो मछुआरे समाज इतना संगठित है एक हर एक चिफ्टन के लीडरशिप में अभी भी वे गांव गांव में रहता है, उनकी रोल केवल मंदिर की रख रखाव करना बीच में कुछ संघर्ष हुए तो ये ठीक करना इतने में लिमिट करने के बजाय समाज की सब तरह की टोटल डेवलपमेंट के लिए आप लोग आगे जाना है, ऐसा एक मिशन ऐसा एक विजन इस लीडर्स को देने के लिए हम परिश्रम करना है। ऐसा है तो जो अभी सरकार की जो प्रोजेक्ट्स आता है ये सब नीचे तक जाने के लिए बहुत जल्दी एक रास्ता हमको मिले। और ये समाज के बारे में देखते समय अभी बहुत समस्या है, ये अभी कहा ट्रोलर्स इतना बढ़ गया बोट्स इतना बढ़ गया, जो उधर जितने समाज है और उधर कितने हमको मिलने लायक जो मछली है उसका प्रोपोर्शन में ये इतना बढ़ गया, हर एक ट्रॉलर हर एक बोट को
मिलने की जो पोर्शन एक कम हो गया, इसलिए पूरे भारत के समुद्र सीमा में देखे तो एक बोट्स और ट्रॉलर्स का संख्या बढ़ गया है और उधर जो मिलता है जो मछली उसका जो प्रमाण कम हो रहा। इसलिए एक जीवन बिताने के लिए लायक नहीं होता है, इसलिए अपने अपने एरिया से एक काम से और उस जमीन से भी वे शहर के लिए दौड़ रहा एक बचाना। इसलिए हमने अभी एक परिश्रम कर रहा है अपने अपने गांव के बारे में, अपने अपने मंदिर के बारे में, अपने अपने ट्रेडिशन के बारे में और अपने अपने भूमि के बारे में एक रिश्ता इस समाज में कायम रखने के लिए। काम के लिए शहर में जाइए लेकिन इधर ही रुकिए, क्योंकि ट्रेडिशनली यू बिलोंग्स टू दिस प्लेस, दिस मोहल्ला, दिस गांव, दिस मंदिर। ऐसा एक इमोशनल रिलेशन अपने अपने सागर तट के साथ ये समाज के अंदर नहीं हुए तो ये सब जाएंगे। इसलिए ऐसा प्रयास अलग अलग परिश्रम हर एक प्रांत में हम कर रहा। इसलिए जो समुद्र तट पर रहने वाले समाज उधर छोड़कर भागने की एक ट्रेंड अभी चाइना बॉर्डर पर जो उत्तरांचल पड़ता है उस एरिया में गांव पूरा गांव उधर से शहर के ओर जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, समाज क्यों उधर रहेंगे। लेकिन समुद्र तट पर बाकी सब अभी है, बिजली है, रोड है, समर्ट एजुकेशन है, लेकिन इमोशनल बाइंडिंग अपने अपने गांव के साथ कायम रखने के लिए हम परिश्रम कर रहा है, क्योंकि अपने अपने भूमि छोड़कर नहीं जाना। अपने अपने भूमि में खाते समय हमारे बंधु लोग इधर कहा उनके नाम पर भूमि नहीं, एक टेंशन मन में है। बहुत स्थानों पर कुछ कंपनी आया, उस कंपनी के लिए उस एरिया एक्वायर किया, एक्वायर करते समय बाकी एरिया में एक्विजिशन की पैसा इन लोगों से मिलता है, इन लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि उनके नाम पर नहीं है भूमि। इसलिए समुद्र तट पर रहने वाले समाज के अंदर बहुत टेंशन है, क्योंकि भूमि उनके हाथ में नहीं है, केवल वे रहता है उधर। उन्होंने कहा सदियों से हम उधर है, बहुत पीढ़ियों से फोटो उधर है, इधर रहा है, लेकिन उनके नाम पर अभी एक इंच भी भूमि नहीं है उधर। एक समस्या हमारे समाज में है, इसलिए समाज को शाक्तिकरण ऐसा एक शब्द है, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली और अभी तो फिशरीज को जो डिपार्टमेंट पूरे भारत में काम कर रहा है बहुत आगे गया है। उसके साथ समाज को जोड़ने के लिए और सिक्योरिटी एजेंसी के साथ समाज को जोड़ने के लिए हम कुछ एनजीओ मत्स्य प्रवर्तक संगम, मत्स्यकार संक्षेप समिति, सागर पुत्र संगठन, करावली कल्याण परिषद, उसी प्रकार सागर भारती, ऐसे भारत के हरेक प्रांत में अलग अलग नाम पर कुछ परिश्रम हो रहा है। फिनेंशियली कुछ आगे नहीं गए तो ये वेदांत भाषण से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए उसके साथ भी कुछ प्रोग्रेस कराने के लिए स्पेशली कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये महाराष्ट्र में ही 1930 में जो पहला फिशरमैन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया था। कुछ प्रांतों में केवल कुछ पॉलिटिकल लोगों के हाथ में है, कुछ लोगों प्रदेश में कुछ इंडिविजुअल के हाथ में है, ये सब ठीक किए तो एक कोऑपरेटिव मूवमेंट के कारण हमारे मछुआरे समाज को आगे ले जाने के लिए बहुत सहायता होंगे। मैं पहले जो इंट्रोडक्शन करते समय एक बात भूल गया, मैं पूरे मेरे जीवन केरल में ही काम किया है, इसलिए हिंदी में बात करने में थोड़ा कुछ गलती हुए तो क्षमा कीजिए। ऐसे शब्दों से जो पूरे भारत के जो कोस्टल कम्युनिटी के मन में जो क्या है, उनकी जीवन की पद्धति क्या है और उनको आगे ले जाने के लिए हम किस तरीके पर आगे जाना है,
ये विषय आपके सामने रखना था। अभी समय की मर्यादा सीमा को मानकर, क्योंकि मैं सीमा जागरण मंच की संगठन मंत्री हूँ, समय की सीमा को मानकर मैं ये समापन कर रहा हूँ। सबके लिए।